देखो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने काफ़ी पहले 100 एपिसोड्स की वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने काफ़ी कम कर दिया वन पीस देखना, मतलब मैं कभी देखता था कभी नहीं देखता था, कभी काफ़ी कम कर दिया, कभी काफ़ी स्लो डाउन, कभी 2 एपिसोड, कभी 4 एपिसोड, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया बेसिकली 400 एपिसोड्स तक आने, और अभी मैं एक आधा एपिसोड देखता हूँ फिर नहीं देखता हूँ, बीच बीच में मतलब चल रहा है बट उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से कंप्लीट होना चाहिए, और मैं बेसिकली देख भी नहीं सकता, मेरी आई सर्जरी हुई थी जैसा मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था, पर मैंने जितने 400 एपिसोड्स देखे ना वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। देखो बेसिकली मैं स्टोरी में अब यहाँ पे हूँ कि सभी मतलब पूरे जो मुगीवारा क्रू है, स्ट्रॉइड्स क्रू है, उनको अलग अलग आइलैंड्स पे टेलीपोर्ट कर दिया गया है, और लूफी लिटरली रो रहा था कि वो किसी को सेव नहीं कर, वो तो मुझे आगे जाके पता चला कि उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया, वरना मुझे लग रहा था कि उसने उन्हें मार दिया है, बट दैट वॉज अ वेरी शॉकिंग टू सी। और ये मैं तुम्हें इंस्टेंट रिएक्शन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाद में रिकॉर्ड करूँ, इंस्टेंट मैंने अभी भी देखा है वो एपिसोड और फिर मैं तुम्हें इंस्टेंट रिएक्शन दे रहा हूँ। ये तुम्हें पूरा मेरा जो पूरा ये टाइम पीरियड था जिसमें धीरे धीरे आराम से एक एक एपिसोड देखो, तुम जितना कम देखते हो ना उतना तुम एफिशिएंटली देखते हो, तो बेसिकली मैंने एक एक दो दो एपिसोड कर करके इतना देखा, तो मुझे उतना एफिशिएंटली देखने में मज़ा भी आया, और मैं छोटी छोटी डिटेल्स जो थी ना वो भी नोटिस कर पाया, जैसे कि जब वो लोग ग्रैंड लाइन में जो एंटर की थी तब जो वेल दिखी तुमने लाबुड, वो ग्रुप की क्रूमेट है, ये काफ़ी खतरनाक कनेक्शन बनाया ओडा ने, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो मुझे लिटरली देखना आगे क्या होगा, बट मैं काफ़ी धीरे देखूँगा गाइस, और मतलब काफ़ी धीरे देख पाऊँगा क्योंकि मुझे इतना फास्ट पेस में जाना पसंद नहीं है, कभी कभी चला जाता हूँ बट पसंद तो नहीं है, ठीक है। और अभी काफ़ी मतलब रेगुलर रूटीन में आना है तो समझ रहे हो ना तुम लोग, सब कुछ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो जितने मैंने 400 एपिसोड देखे ना मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ और मैं अभी भी बोलूँगा कि जाके देखो वन पीस, क्योंकि इसका एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पॉइलर हो सकता है, और ये लिटरली मुझे लगता है कि कोई भी नहीं पाना चाहेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके देखो वन पीस। बाकी 400 एपिसोड्स देखने के बाद ना इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी बढ़िया हुआ है, और मैं हर एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लूफी हो या चाहे वो चॉपर, चॉपर तो मगर पहले देखो तो काफ़ी शाय था लेकिन अभी वो काफ़ी ओपन है सबसे, ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जोरो के अंदर और ईगरनेस आ गया कि उसको अपने आप को और ताकतवर बनाना होगा क्योंकि इतने से कुछ नहीं होगा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ये फीलिंग बढ़ते जाने वाली है। बाकी तुम लोग अपने व्यूज़ कमेंट में बताना बिना स्पॉयलर्स के हो सके तो, और इन सब में जो इनके जो कनेक्शन से लोग बिठाते हैं ना कि स्टोरी में से यहाँ पे ये कनेक्ट किया वहाँ पे वो कनेक्ट किया, दैट आई लव्ड अबाउट द वन पीस एनिमे, और ये काफ़ी बढ़िया था, और लिटरली ब्रुक की स्टोरी भी काफ़ी इमोशनल लगी मेरे को, लिटरली काफ़ी इमोशनल लगी क्योंकि वो आखिरी मेम्बर था उसके क्रू का जो जिंदा था, आई होप कि वो लाबून से मिलेगा आगे जाके, आई डोंट नो बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आया ना सब्सक्राइब करके जाओ, और पार्ट्स आएंगे इसके और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सच में सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी धीरे बढ़ रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।